उत्तराखंड की होनहार बेटी आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अपनी काबिलियत के दम पर सफलता के ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल करने वाली राज्य की इन होनहार बेटियों से आए दिन हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। आज आपको उत्तराखंड की एक और ऐसी होनहार बेटी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिकारी बन गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मूल रूप से उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र की रहने वाली स्वाति जोशी की, जिन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिकारी में केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल पर दूसरा स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता और जिले के साथ ही समूचे प्रदेश का भी मान बढ़ाया है। इतना ही नहीं, स्वाति का हरियाणा लोक सेवा आयोग में भी व्याख्याता तकनीकी शिक्षा विभाग में चयन हुआ है। बहरहाल स्वाति ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिकारी के पद पर ज्वाइन कर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मूल रूप से उत्तराखंड के चंपावत जिले के बाराकोट विकास खंड के डूंगा जोशी गांव निवासी स्वाति जोशी ऑल इंडिया लेवल पर दूसरी रैंक हासिल कर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिकारी बन गई हैं। वर्तमान में उनका परिवार लोहाघाट क्षेत्र में रहता है। बता दें कि उनके पिता डॉक्टर नवीन चंद जोशी जहां जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट लोहाघाट में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं, वहीं उनकी मां जीजीआईसी चंपावत में प्रवक्ता हैं। बताते चलें कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा ओकलैंड पब्लिक स्कूल से प्राप्त करने वाली स्वाति ने इंटरमीडिएट के बाद पंतनगर विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की है। तदुपरांत उन्होंने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल के साथ एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्तमान में वह पंजाब विश्वविद्यालय से ही पीएचडी भी कर रही हैं। सबसे खास बात तो यह है कि बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल दर्जे की छात्रा रही स्वाति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की छात्रवृत्ति में एमएससी एवं पीएचडी कर रही हैं। स्वाति की इस उपलब्धि पर जहां उनके परिवार में हर्षोल्लास का माहौल है, वहीं उन्हें बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।